अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रही हूँ, मतलब इतनी जल्दी मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे एक्चुअली थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है और थोड़ी थोड़ी सी खुशी भी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा जो गुस्सा आ रहा है वो इस बात पर आ रहा है कि हम समझ रहे थे कि कल चांद रात होगी, तकरीबन 30 रोज़े तो होंगे भाई, 30 रोज़े होंगे, लेकिन अचानक से रात के 11-12 बजे अनाउंसमेंट हो गई कि भाई आज चांद रात है। ऐसे तो नहीं होता है भाई, हमें तो अपनी तैयारियाँ करनी होती है ना कपड़े प्रेस, ना कोई घर में कोई मीठा शीटा बन रहा है, ना कुछ भी नहीं है, मेहंदियाँ भी नहीं लगी है और ऐलान हो गया है। खैर चलो कोई बात नहीं है, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रात के 11 बजे मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। देखो ज़रा मेरे काम, तो ये देखो मैं घर की हालत भी दिखा देती हूँ कि घर की हालत बिल्कुल भी इस काबिल नहीं कि इस तरह से सेलिब्रेट की जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमारी चांद रात होती है तो हम तो चादरें वादरें बेडशीट सब कुछ एवरीथिंग चेंज हो जाता है और पूरी सफाइयाँ शफाइयाँ होती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। हाय अम्मी, बहुत बहुत मुबारक हो, कल ईद है। को मेहंदी लग गई, बाजी की मेहंदी लग गई है, मैंने लगाई। कैसी लग रही बताओ? अच्छा। बताओ बताओ कैसी लग रही है? टन टना टन प्यो 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 प्यो। हाँ, ये मेहंदी लग चुकी है और इस वाली मेहंदी का मैं ट्यूटोरियल आपको दे चुकी हूँ, देख लेना ठीक है। ये हो गया। चलो मोड़ के दिखाओ, टू टू करके। हाँ उधर से दिखाओ, ये देखो ये देखो। जी हाँ ये देखो ये देखो ये देखो, ये इनकी मम्मा मेहंदी लगवाने आई थी। मैंने बोला तुम इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो, कल है चांद रात, कल लगवा लेना मेहंदी। अलग से अनाउंसमेंट हो गई और ये तहसीन पड़ा हुआ देखो एडिटिंग कर रहा है, यहाँ पे क्या कहते हैं इबाद पड़ा हुआ। भाई मुझे अपना कमरा सेट करना है। बच्चों की तो फ्री हो गई है, गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे, हटा दो ये अपना हाथ। मैं समझ रही थी कल होगी चांद रात। ये देखो आज लगवा दिल कर रहा है। अच्छा ये फलियां है भाई, हम फलियां खा रहे हैं प्लेट में सारे। ये रही सही है, पहली बात तो मैं ये भी रही और मैं ये रही सही है। यहाँ पे देखे कितना सामान बिखरा हुआ है, पता नहीं क्या क्या। और ये देखो कमरे की हालत कुछ इस तरह से इसलिए है क्योंकि मैं इफ्तारी के फौरन बाद मेहंदी लगानी पड़ गई थी। मैं अपने कमरे में आई नहीं हूँ, मैं अभी आई हूँ, रात के 12 बजे अपने रूम में आई हूँ। तो चलें कमरे की हालत ठीक करते हैं, फिर उसके बाद के जो काम है हमारे वो हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। सही है चलो। ये कमरे की चादरें वगैरह जो थी, जाहिर से बातें बेड के ऊपर इतना सारा सामान था, मेरे समझ से बाहर है मतलब क्या क्या रख दिया था इन लोगों ने। अब ये हमारे जो है ये बेड हमारी सेट हो चुकी है, तकरीबन एक तक क्या मुझे मिलने रहा है, अभी ढूंढूंगी मैं। दोनों बेड की सेम हमें चादरें लेकर आई हैं और अभी देखो मेरी ड्रेसिंग की भी क्या हालत है। यहाँ तक मैंने अभी तक सुबह से अपने मुँह पर कुछ नहीं लगाया, लेकिन पता नहीं क्यों सामान रखा हुआ इतना सारा मुझे नहीं पता। ये देखो। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि अब रात के 1:30-1:30 तो बज रहा है, अब क्या इतने जल्दी मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना कोई काम भी नहीं है, लेकिन बात ये है कि अचानक से हुआ ना तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और ये भी है कि मेरा जो दुपट्टा है ना, जो ईद पर पहनना है सूट, वो गया हुआ है पीको के। अब देखो कल सुबह तक आता है, कल सुबह वो आएगा 3 बजे पीको से मेरा दुपट्टा। हाँ रेडीमेड तो मैंने सूट ले लिया था अपना, लेकिन उसका दुपट्टा मैंने पीको कराने के लिए दे दिया था। और ये ड्रेसिंग भी साफ़ हो गई, कमरा मेरा पूरा क्लीन नहीं हुआ है, झाड़ू रह गई है, झाड़ू लगाने जा रही हूँ। टाटा बाय बाय, रात के 1 बजे झाड़ू लगा रही हूँ। देखो ज़रा क्या
रमजान गुजर गए, ईद आ गई, चांद रात हो, कुछ भी हो, इनका गेम नहीं खत्म होना चाहिए और ये गेम खेल रहे हैं भाई। अच्छा हम जा रहे हैं, आ गई हूँ टीवी लॉन्च में। जाहिर सी बात है टाइम देखें ये हो रहा है, ये हो रहा है भाई टाइम, दिमाग ख़राब। मैं आ गई हूँ अपने कमरे को छोड़ के बाहर की दुनिया में, मतलब टीवी लॉन्च में, और यहाँ पे आए तो कपड़े पड़े हुए हैं, बहुत सारे कपड़े तय करने हैं जल्दी जल्दी से, और भी काम है। देखो कैमरे में मुँह आ गया पूरा जी। तो हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? थोड़ी देर में मिलते हैं, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। मैं जा रही हूँ, इतनी गर्मी हो रही है। अम्मी की वीडियो ओके जी व्यूअर्स, तो सारे के सारे काम हो चुके हैं, लेकिन काम करते हुए मैं कपड़े तय करते हुए अभी सोच रही थी कि चांद नजर आ गया और पता भी नहीं चला, मतलब हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं तकरीबन थोड़ा 12 बजे मुझे नज़र आया चांद, मतलब सबको ही अचानक से खबर हुई कि आज चांद रात है, लेकिन हम जल्दबाजी में तो ये भूल ही गए कि हाँ वो इफ्तारी, वो सहरी सब कुछ आखिरी था जो अभी हमने किया था कल, और मतलब जो आज हमने इफ्तारी करी थी वो आखिरी थी, जो कल सहरी करी थी वो आखिरी थी, अभी अगले साल नसीब होगा सब कुछ। तो मतलब मैं अचानक से सोचने लग गई कि हम लोग चांद रात में इतना लग गए कि हम तो ये भूल ही गए कि यार वो इफ्तारी, वो सहरी, वो रमज़ान, मतलब आखिरी थे, ये ख़त्म हो गए। तो क्या बोलूँ, मतलब दिल इतना अजीब सा हो रहा है। मैं वो सोचने लगी, मैंने बोला अरे रमज़ान ख़त्म हो गए, मैं ये तो सोची थी कि चांद रात, लेकिन ये तो सोचे नहीं कि रमज़ान ख़त्म हो गए। इतना अजीब सा लगा ना फिर मुझे कि बस बहुत अजीब सा लगा, क्या कह सकते हैं, मतलब ईद आ गई। ओह गॉड, चले मतलब पूरा महीना इस तरह से गुजर गया, हम लोग कब से शोर मचा रहे होते हैं रमज़ान आने वाले, जैसे ही न्यू ईयर लगता है हमारा जब से ही शोर हो रहा होता है भाई, इतने दिन रह गए, इतने महीने रह गए, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे रह गए भाई रमज़ान में, पूरे साल इस रमज़ान का इंतज़ार करो और ये एक महीने का मेहमान यूँ ही चले गया, और हम लोग शोर मचाने में लगे कि 12 बजे चांद का बताया है भाई, चांद रात तो आज है, कल नहीं थी, ये था वो था, मेहंदी लगनी, सामान है, ये वो पता नहीं क्या क्या, और हम तो ये भूल ही गए कि रमज़ान चले गए। तो अभी मैं पानी की बॉटल लेके बैठी हुई थी और मैं मतलब मुझे भूख लग रही थी, मैंने अभी खाना इतना ज़्यादा कोई ठीक नहीं खाया, मैंने क्यों नहीं खाया, मेरे दिमाग में था ही नहीं कि अब तो सहरी करनी नहीं है, और मैंने खाना ज़्यादा ठीक से खाया नहीं, मैंने बोला मैं सहरी में खा लूँगी, और अभी मुझे याद आया मैंने बोला मैंने खाना ठीक से क्यों नहीं खाया, सहरी तो होगी नहीं, अरे ये क्या हो गया। चलो भाई अब तकरीबन रात का जो टाइम हो रहा है ना वो पता नहीं क्या हो रहा है, तो ये हुआ। तो हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह से सारे के सारे पूरे के पूरे रोज़े गए गुज़रे, और जो भी था बहुत अच्छे रमज़ान नसीब हुए हैं, अल्लाह का करम है, अल्लाह का बस बहुत बहुत करम है, मतलब जिस तरह के आजकल के जो चल रहा है इन्वायरमेंट और हमारे जो अमाल हैं इस हिसाब से तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बनती कि इतनी भी मोहलत दी जाए, लेकिन रमज़ान जो होता है वो एक मोहलत दी जाती है इंसान को कि अपनी तौबा कर लो, अपनी निजात ले लो, अपनी मगफिरत की दुआएं मांग लो, तो ये एक मौका जो होता है ये मौका दिया गया है, तो इंसानों को चाहिए कि भाई अब जाहिर सी बातें होता ही है कि पूरा रमज़ानों में तो वो सर पर दुपट्टा और ETC पत्नी क्या क्या, मतलब ट्रांसमिशन्स आप लोग देखते होंगे शायद, ट्रांसमिशन्स कौन सी जो मतलब चैनल्स पे आ रही होती हैं, TV पे आ रही होती हैं ख़ास तौर पर, जो ये सेलिब्रिटीज़ कर रही होती हैं, लड़कियाँ कर रही होती हैं, वो पूरे महीने बहुत अच्छे से, और जैसी ईद आ रही होती है तो वो मॉर्निंग शोज़ में या इसमें डांस वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है भाई, रमज़ान का एहतराम है, एक तरफ है रमज़ान का एहतराम करना चाहिए, लेकिन इस्लाम तो इस्लाम है ना यार, इस्लाम तो हर महीने हर साल ही रहेगा, ये थोड़ी कि इस्लाम बस एक महीने के लिए आपने इस्लाम कबूल किया था उसके बाद भूल गए। खैर ये सबके अपने अपने अमाल हैं यार, हम क्या कह सकते हैं किसी को भी। और दूसरी बात, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं विशेज़ आ रही हैं भाई, हैप्पी ईद, हैप्पी चांद, पता नहीं क्या क्या, चांद मुबारक, ईद मुबारक, लोगों को समझ नहीं आ रहा हम ईद मुबारक बोले चांद मुबारक बोले।
अम्मी नीचे बना रही है मीठा मीठा कुछ बना रही है। मैं तो वो जो अम्मी बादाम पिस्ते काट रही होती है ना वो खा के आई हूँ, तो अम्मी उसमें से मुझे कह रही थी सादे वाले खा लो, जो कटिंग करी ना वो मत खाना। हाँ लेकिन कुछ भी कहो, ये रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत 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 अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों बार खरबों बार शुक्र अदा करते हैं कि बहुत अच्छे से गुजरे, सहरी की इफ्तारी की इतना रिस्क अदा हुआ, तो उसका भी शुक्र अदा कर लेना चाहिए। जाहिर सी बात है हर चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए इंसान को। इंसान अपने हाथ पैरों पर काम कर रहा है, खड़ा हुआ है, बस यही इंसान के लिए बहुत कुछ काफ़ी होता है। और जाहिर सी बात है इंसान अगर अपने आसपास के लोगों को देखे तो कितने ज़्यादा, मतलब अगर अपने से ज़्यादा किसी को परेशान देखे तो अपनी परेशानी बहुत कम लगने लगती है और छोटी लगने लगती है। तो अल्लाह का शुक्र करते रहे। और चले अब हम लगाते हैं, मैं अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ क्योंकि अभी जो मुझे काम लग रहे थे वो काम सारे हो चुके हैं, और फिर मैं तसल्ली से आराम से बैठ के सोच रही थी यार रमज़ान चले गए, रमज़ान चले गए, अल्लाह अगले साल आएंगे, पूरा साल वेट करो 1 महीने का, और 1 महीने में आके 1 हफ्ते की तरह चले गए। ये तो खैर चले, अब हम करते हैं अपने हाथों की सर्विस। मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि कल ईद है जाहिर सी बात है, और हमारा जो है क्या कहते हैं अचानक से रात के 12 बजे तो मौलवी साहब ने बताया है हमें कि चंद नज़र आ गया है, तो हम अपने थोड़े फेस की भी सर्विस कर लेते हैं। क्या करते हैं चले आप वीडियो का स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं मतलब ईशा की नमाज़ पढ़ के आ गई हूँ, बड़ी लेट पड़ी है आज मैंने मैंने क्लींजर क्या मुसीबत है, क्यों कर रहे हो तो ट्राईपोड को डांट रही हूँ, मेरी हरकतें देखो गुस्सा आ रहा है। जी हाँ, तो ये मेरे पास क्लींजर रखा हुआ है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कोई होम रेमेडी बनाऊँ अभी, तो ये मेरे पास नहीं यार, क्या कर रही हूँ मैं, हाँ सॉरी सॉरी, ये रही रही यही है, ये तो मास्क है, ये रहा, ये है क्लींजिंग क्लींजर है ये, कोको फेस क्लींजर, ठीक है इसको हम लगाएंगे, पता है कैसा ये इस तरह का दिखता है भाई, और ये ना ये देखो ये ना लगा लगा के सूख जाता है मुंह पे, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, ये देखो ये वाइट हो गया, चु 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 चु। हाँ ये देखो ये ना मतलब ये जब ये पैक था तो ये ब्राउन कलर का था, और ये ब्राउन कलर का ही है, इस तरह का है ये ना, और जब इसको मसाज करो ना अच्छे से, ये देखो तो ये साबुन की इख्तियार कर लेता, क्या लग रही हूँ मैं, भूत लग रही हूँ, तो बस तकफुल्ला, ये क्लींजर है ठीक है, जब तक ये सूख जाएगा ना लगा लगा के, इसका मतलब है इसको साफ कर लो, और यहाँ पे ये पूरा लग चुका है, वाह व्हाट अ ब्यूटी, क्या लग रही हूँ, मेरे फेस पे निखार देखो, मैं कितनी गोरी गोरी हो गई हूँ, इतनी गोरी हो गई हूँ कि पहचानने भी नहीं आ रही हूँ कि कौन बैठा है भाई, तो बस तकफार, ये देखो शैतान खुल गया है, ये एनाबेल में आती है ना वो लग रही हूँ मैं। अच्छा भाई ये क्लींज़र है, ये देखो ये क्लींज़र होती है, एक क्रीम होती है ठीक है, ये ना आपके फेस को ना बहुत अच्छे से क्लीन कर देती है। ये कौन सी क्रीम है, अगर ये पूछना हो ना तो कमेंट्स कर देना, मैं कमेंट्स के अंदर जवाब दे दूंगी। और सेकंड में ये बता रही थी कि हम ये मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे रमज़ान या तकरीबन हम लोग मेकअप शेकअप करते रहते हैं ना, तो उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए ये कर रही हूँ मैं, ताकि ये जो मेकअप बस चुका है ना मेरी स्किन के अंदर वो सब बाहर निकल जाए, ताकि मैं कल आराम से अच्छे से मेरी स्किन जो है वो स्मूथ हो जाए। उसको तो अच्छे से क्लीन हमने कर लिया है, देखो हाथों तो में थोड़ा सा ले रह गया है मेरे, इसको छोड़ो अभी फ़िलहाल, ये अब हम यूज़ करेंगे स्क्रब, मेरे पास है स्ट्रॉबेरी स्क्रब, आप कोई सा भी कंपनी का ले लो, मैं ये क्या रिकमेंड करूँ आपको, खैर तो आपके पास कोई सा भी स्क्रब है आप यूज़ कर लो भाई, घर के अंदर कर लिया करो, क्योंकि ना पार्लर के अंदर वैसे इतना रश लगा हुआ है आजकल, क्या होता है वो लगा लगा के हटा रही होती हैं, तो भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और भी कस्टमर बैठे हैं, मैं इनको टाइम देने लग गए ना तो फिर 3 ईदे ऐसी गुजर जाएंगी। स्क्रब कर लेंगे स्किन को अच्छे से, ये देखो स्ट्रॉबेरी स्क्रब है ये, मैंने कर लिया है फेस को बहुत अच्छे से स्क्रब, ये नज़र आ रहा है जी, ज़्यादा तेज़ तेज़ भी मत करना कि खाल भी साथ में आ रही हो, ये स्ट्रॉबेरी स्क्रब था,
और ये मार्केट का था, सही है, ये मैंने लगा लिया। अब इसको मैं क्लीन कर लूँगी स्पंज की मदद से। ध्यान रहे स्पंज जो हो वो बर्तन धोने वाला ना हो, सही है। ये देखो भाई, स्क्रब के बाद स्किन जो होती है वो काफ़ी सेंसिटिव सी हो जाती है और उसके जो पोर्ट्स होते हैं वो सारे खुल जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम मास्क लगाएंगे ताकि हमारी स्किन जो है स्मूथ हो जाए और सेट हो जाए, सही है। जितनी भी चीज़ें जागी थी वो सब सो जाए। अभी सारे काम हमारे हो चुके हैं तकरीबन, हमारे क्लिनजिंग भी हो गई है, स्क्रब भी हो चुका है। अब थर्ड चाहिए मास्क हमें, ये भी बाजार का ही है मास्क और ये है कॉफ़ी वाला मास्क। आप कोई सा भी यूज़ करो यार, कॉफ़ी बहुत बेहतरीन होता है। इसकी खुशबू मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, पता नहीं आपको ये इतनी फुल मतलब जो फुल से पता चल रहा होगा कि मैंने कितनी दफ़ा यूज़ किया है, एक दो दफ़ा यूज़ किया है। मैं वैसे घर की रेमेडीज़ पर ज़्यादा भरोसा रखती हूँ, लेकिन अभी जो है हमारे पास इतना टाइम नहीं है मेहंदी लगानी इसके बाद, इसलिए हम ये यूज़ कर लेंगे। इसको मैं लगा कर आती हूँ, मेरा दुपट्टा ख़राब ना हो जाए। आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ, इसको मैं अच्छे से लगा के आती हूँ। ये मास्क इस तरह का लगता है यार, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, मुझसे नहीं देखा जा रहा, मुझे अपना आप नहीं देखा जा रहा है। तो मैं इस मास्क को साफ करके आती हूँ। देखो ये ऐसा ये सूख चुका है, यहाँ पर मेरा फेस हो चुका है क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह से। मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, आप लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जब मैं अपनी स्किन को हाथ लगा रही हूँ ना, दिल कर रहा है बार बार टच करती रहूँ इसको। बहुत स्मूथ और अच्छी सी हो चुकी है, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है हसन बेबी। ये देखो भाई, ये थी तीन क्रीमें, ठीक है, जो क्लिनजिंग और स्क्रब और मास्क था, सही है। अब मैं रख के आती हूँ। और लाइबा भी आ चुकी है मेहंदी के लिए, मेहंदी लगवाने चलो आ जाओ, मेहंदी लगाए, चलो भाई मेहंदी लगाए, आ जाओ भाई, आ जाओ, जैसे ना बच्चे को पढ़ो, आ जाओ मेहंदी लगाओ। वालेकुम अस्सलाम, मैं कह रही हूं समोसे चलते हैं यार, क्यों गाइस अब मेरा ब्लॉग गेम है, मैं छुपके से रिकॉर्डिंग कर रही हूं। तो कैसे हो आप सर? ये ना ये लाइबा लेकर आई है बहुत सारी मेहंदियाँ, ये देखे मैंने इनके वो निकाले, और ये कोई पर्पल ग्रीन रेड पिंक ब्राउन लाइबा, ये कहाँ से लेकर आ गई फैन इतनी सारी मेहंदियाँ? भैया मैं ऐसे गिफ्ट्स में लेती ना, इसलिए मैं लिया। अच्छा ये ना लाइबा को गिफ्ट्स मिली थी तो लाइबा सारी की सारी लेकर आ गई है मेरे पास, ताकि उनको जो समझ में आए तो फिर करते हैं, अगर नहीं लगे तो फिर ठीक है। चलो सही है, फीलिंग्स तो हो सकता है ना। हाँ फीलिंग्स हो जाएंगी इनकी, चलो देखते हैं फिर क्या करते हैं। गोला गंडा ना बना दूं मैं तुम्हें? यस वही, ये कलर्स होते हैं ना वो फ्लेवर्स, या फ्लेवर्स मेहंदी फ्लेवर्स। हाँ चलो अब इसका शरबत बना के दूं बेटा मैं तुम्हें। ठीक है पहले शुरू करेंगे ब्राउन से, राइट? या देखो भाई ये ना मैंने फर्स्ट टाइम देखी है इस तरह की मेहंदी, पर्पल ग्रीन पिंक ब्राउन। मैंने भी जब ही मेरे पास आई थी ना तो मैं खुद ही पहली दफा देख रही थी। जामनी रंग लिखा हुआ भी इस पे, जामनी रंग, गुलाबी रंग, हरा रंग। चलो अब देखते हैं क्या लगाते हैं हम। लग गई मेहंदी, दिखाइए
अरे ऐसे करो। हाँ यस, पीछे से ना हो जाए। नहीं होगा कुछ भी, देखो भाई लाइबा के वाला दिखाओ पहले। यस, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, हाथ स्ट्रेट करो। अब हाँ सही है, अब ये वाला दिखाओ। मैं अपने हाथ नहीं मिला ये सकती। देखो ये देखो ये देखो, सही गुड हो गया। ये मेरे कस्टमर आए हैं फ्री में फ्री में फ्री में। नींद आ रही है अम्मी, नींद आ रही है, शर्म आ रही है, ऐसा लग रहा है। भाई मेहंदी, अरे वाह ये देखो सब अपनी अपनी मेहंदी लेकर आ रहे हैं, ज़बरदस्त हो रहा है। वैसे आज अपनी बाजी भी अपनी 80 रुपये की अलग मेहंदी लेकर आई, ब्राइडल कोन। ये लाइबा 5 से 6 मेहंदी उठाकर लेकर आ गई। ये देखो ये लगा के बैठी हुई है, बोल रही है आप मुझे बताएं ये जब कलर छूटेगा तो कैसा आता है। ये देखो अब अम्मी अपनी मेहंदी लेकर आई है, वाओ चलो अम्मी लगाना है, क्या लगाएंगे। अच्छा मैं बता रही हूँ 500 रुपये का एक हाथ लगेगा। अरे हाँ अभी 500 की पीको करवाइए। 500 रुपये की पीको कराइए? 500 ज़्यादा नहीं ले, ज़्यादा है। 500 रुपये का पीको करा लिया तुमने? 2 दुपट्टे 1000 रुपये के? वही देना। अच्छा आई वो बेचारी घर में लेके आई। चलो कुछ नहीं, मेहंदी लगा रहे थे कि इतनी देर में आ गए बर्गर, क्योंकि सैरी के टाइम पे लग रही है भूख तो हम खाएंगे बर्गर। और ये भी डन हो गई। देखो भाई बताओ कौन सी अच्छी लग रही है। बताए सब बाजी कौन सी अच्छी लग रही है? मुझे ये वाली वैसे अच्छी दोनों ही लग रही हैं, लेकिन ये बहुत प्यारी है। कलर आएगा ना पता चलेगा। ओ भाई हाय हेलो जी हेलो, पहचानो मुझे, मैं कौन हूँ? मेहंदियाँ लगा लगा के ना मेरा दिमाग हो चुका है सुन, क्योंकि मगरिब के बाद से मैं बैठी हुई हूँ, तकरीबन सुबह के बज रहे हैं 6 बज चुके हैं, मतलब मगरिब के बाद से आप अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन हो चुका है टाइम 6 घंटे, उसको 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे तकरीबन, नहीं मगरिब कितने बजे होती है? मगरिब होती है तकरीबन 7 बजे होती है, तो 6, 6, 12 और 12, 12, 24, नहीं यार मैं क्या बोल रही हूँ, 24 घंटे हो गए, पूरा दिन हो गया। भाई समझ लो मगरिब के बाद से बैठी हुई हूँ, सुबह के 6 बज रहे हैं अभी मुझे, मैं मेहंदी लगा लगा के पागल हो चुकी हूँ। ये देखो भाई मेरे हाथ में मेहंदी लगी, हाँ लेकिन मेरे हाथों में इस तरीके से मेहंदी ज़रूर लगी है। हेलो टिन टनाटा, मेरे दुपट्टे पर लगी है, मेरे कमीज पे लगी है मेहंदी। अच्छा भाई ये देखो ये ना अभी क्या कहते हैं अम्मी पीको करवा के आई हैं, इतनी ज़बरदस्त, मतलब जो हमारी दर्जन है ना उन्होंने पीको करा के दी इतनी ज़बरदस्त आधा किस्म की, मैं दिखाती हूँ आपको 2 मिनट। देखो कितनी प्यारी है ये पाई पिन क्या पीको सॉरी पीको, ये ना मेरे सूट का दुपट्टा है। कौन कह रहा था ये ग्रीन? ओ भाई ये ब्लू कलर नहीं है, ये ग्रीन कलर है, पता नहीं कैमरे में क्यों ब्लू नज़र आ रहा है, बट ये ग्रीन है, जो मोर वाला कलर होता है ना ये वो वाला कलर है, मतलब ये बनारसी का दुपट्टा है। 2 मिनट, बनारसी का दुपट्टा है, आप लोग वैसे देख चुके होंगे और अगर नहीं देखा तो ईद लुक के जो है मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी, देख लेना। लेकिन दुपट्टा कितना प्यारा लग रहा है ना, और 4 चांद लग गए इस पर। लग रही है अभी बहुत ज़्यादा भूख, ऐसा लग रहा है जैसे रोज़ा रख लिया है, सुबह के 6 बज रहे हैं, बट कुछ खाने चलते हैं मैं तो कहती हूँ। चलो आओ हम तहसीन से पूछते हैं कि वो कुछ खाएगा या वो कुछ नहीं खाएगा, अगर वो नहीं खाएगा तो इट्स ओके, खाएगा तो हम उसे साथ ले चलते हैं। तहसीन ये तुम बताओ कि तुम सैरी कर रहे हो अभी या नहीं, यानी कि कुछ खा रहा है या नहीं, कुछ कुछ खाओगे कुछ खाओगे? पहले बोला हाँ हाँ, बेटा भी रुक जा अब बोल यार, हद हो गई, बताओ कुछ खाओगे या नहीं, या फिर मैं जाऊं क्या?
आज़ादी करवाएंगे। इतनी आज़ादी मिली भी तुम्हारे लिए इतनी काफ़ी नहीं है? आज़ादी का राधू यही मिला था तुम्हें आज़ाद कराने के लिए। तो भाई ये तो कुछ नहीं खा रहा, नहीं खा रहे तुम? तो ये रखा हुआ सारा मेहंदी का मतलब सामान, मेहंदी का सामान तो नहीं रखा हुआ, ये बखेरा हुआ हुआ फिजूल का। और मेरे हाथों पे, और मेरे हाथों में तो मेहंदी नहीं लग सकी। तो ये है, ये नेल पेंट नहीं है, ये अर्क है, पिंक कलर का अर्क था। खैर तो अब क्या है कि मैं सुबह लगाऊंगी मेहंदी अपने। टिंग जी व्यूअर्स, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मेहंदी लगा लगा के साइड सी बातें, और मुझे थोड़े और काम भी हैं, सुबह और जल्दी भी उठना होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ फजर की नमाज़ पढ़ने, उसके बाद जाऊँगी नाश्ता करने, नाश्ता करने मतलब तहसीन के साथ जाऊँगी। तो वैसे तो आज हमारा रोज़ा था लेकिन वो रोज़ा इन लोगों ने डिले करा दिया। मैं आपको सर बताऊँ, रोज़ा डिले करा दिया गया और ज़बरदस्ती की ईद करवाई गई हम लोगों से, और ज़बरदस्ती की ईद हम मनाएंगे। तो चलें, आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर देना और भाई मतलब मुझे दुआ में याद रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, चांद रात मुबारक, और बहुत 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 चांद मुबारक, ईद मुबारक। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और हाँ, मेरा ईद लुक देखना हो तो अम्मी के चैनल पे देख लेना या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, उस वहाँ पे पिक्चर्स भी अपलोड कर दूंगी। ओके बाय।